कोई नगर अपने इतिहास व विरासत के साथ आधुनिकता को कैसे धारण कर सकता है? यह विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर काशी से सीखा जा सकता है, जो कि अब भारत को नगर के कचरे का श्रेष्ठतम उपयोग करना भी सिखाएगी। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको धर्म, अध्यात्म व कला संगीत की नगरी काशी में कचरे से कोयला बनाने वाली प्लांट की विशेष जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि आप जानेंगे कचरे से कोयला बनाने वाले प्लांट का वास्तविक स्थान, कितनी भूमि पर बना है यह प्लांट, क्या है इस परियोजना की लागत, कब से होगा यह प्लांट आरंभ, कितनी क्षमता होगी इस प्लांट की, क्या होंगे इस प्लांट से मिलने वाले लाभ तथा कब होगा इसका उद्घाटन। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गलियों का नगर, घाटों का नगर, मंदिरों का नगर आदि के रूप में विश्वविख्यात काशी अर्थात वाराणसी उत्तर प्रदेश की ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की धर्म नगरी मानी जाती है। इसी नगर में भगवान शिव का द्वादश ज्योतिर्लिंग व भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली भी है तथा इस नगर के अल्हड़पन जीवन का अनुभव करने प्रतिदिन हजारों से लेकर के लाखों यात्री व श्रद्धालु वाराणसी आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक नगरी काशी को आधुनिक भारत में मुख्य स्थान प्रदान करने के लिए वाराणसी नगर में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सैकड़ों विकास कार्यों पर निर्माण कार्य तीव्र गति से क्रियान्वित है, जिसकी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी यूथ, धर्म और संस्कृति के लिए विख्यात है, परंतु काशी अब देश व विश्व को कचरे से कोयला बनाने का मंत्र भी देगी। जी हाँ, कचरे से कोयला बनाने का देश का पहला प्लांट अब वाराणसी के रमना में उद्घाटन होने जा रहा है। इस परियोजना की अधिक जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि वाराणसी नगर निगम के सहयोग से NTPC वाराणसी के रमना में इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को लगाया है। बात इस प्लांट की करें तो इसकी क्षमता 600 मीट्रिक टन कूड़ा निस्तारण की होगी। इसके अतिरिक्त यह प्लांट हर प्रकार से इको फ्रेंडली होगी, अर्थात जिससे आसपास के रहने वाले लोगों अथवा पर्यावरण को भी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। हमने आपको इस विषय पर 2021 में ही सबसे पहले जानकारी दी थी, और आज हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आने वाले 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं। तो आपको इस पर ग्राउंड रिपोर्ट दर्शाते हुए वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देते हुए बता दें कि इस परियोजना पर हरित कोयला परियोजना के अंतर्गत रमणा में देश के पहले वेस्ट टू चारकोल प्लांट का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। बता दें कि वाराणसी नगर निगम कूड़े का बेहतर प्रबंधन करने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में वाराणसी के रमणा में लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की लागत से वेस्ट टू चारकोल प्लांट का निर्माण हुआ है। इसकी क्षमता प्रतिदिन लगभग 600 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट से 200 टन कोयला उत्पादन की है। इस प्रोजेक्ट में 3 यूनिट कुल लगाई गई है। इसमें एक यूनिट स्टैंड बाई में रहेगा। यह अत्याधुनिक प्लांट प्रदूषण व दुर्गंध फैलाए बिना कोयला बनाएगा। इस प्लांट से बनने वाले कोयला NTPC अपने प्लांट में प्रयोग करेगी। यही नहीं, इस प्लांट में मकान के मलबे से इंटरलॉकिंग ईंट के ब्लॉक व टाइल्स का भी सफल प्रयोग भी चल रहा है। देश के पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के संचालन में 2 मेगावाट बिजली की आवश्यकता भी है, जिसके लिए 132 केवीए छावनी उपकेंद्र और डाफी उपकेंद्र से 2 लाइनें खींची गई हैं यहाँ पर। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि प्लांट के आरंभ के पश्चात इसे 3 वर्ष तक ट्रायल के तौर पर चलाया जाएगा। ट्रायल पर यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो अन्य प्रदेशों में भी और प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट निर्माण आगामी 25 वर्षों को ध्यान में रख करके किया गया है। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी NTPC ने वाराणसी में विश्व की पहली वाणिज्यिक हरित कोयला परियोजना आरंभ की है, जो नगर निगम के कचड़े से टायरफाइड चारकोल का उत्पादन करेगी। यह परियोजना NTPC की शाखा NTPC विद्युत व्यापार निगम NVVNL द्वारा मैको ब्लॉयर BK को EPC अर्थात इंजीनियरिंग खरीद निर्माण के आधार पर प्रदान की गई थी, और 200 टन प्रतिदिन TPD क्षमता वाले ग्रीन कोयला संयंत्र का यह पहला रिएक्टर मॉड्यूल हाल ही में स्थापित और चालू किया गया है। पीएम मोदी के वाराणसी में
देश का सबसे अनोखा प्लांट आरंभ हो गया है। वाराणसी में काम कर रहा यह प्लांट अपने आप में अनोखा है और देश का पहला प्लांट जहां नगर से निकलने वाले कचरे से कोयला तैयार हो रहा है। एनटीपीसी ने इस प्लांट को लगाया है और नगर निगम के सहयोग से इसके संचालन का कार्य कार्यदायी संस्था मेकाबर बीके कर रही है। वाराणसी के रमणा में 20 एकड़ में बना यह प्लांट ऐसी तकनीकी से तैयार हुआ है जिससे आसपास के लोगों को भी कोई कठिनाई नहीं होगी और ना ही कूड़े कचरे की दुर्गंध लोगों को परेशान करेंगे। वाराणसी के यह प्लांट पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान के लिए भी मील का पत्थर सिद्ध होगा। इस प्लांट से 600 टन कचरे से 200 टन टॉरिफाइड चारकोल अर्थात कोयला बनाया जाएगा। इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए होता है। बिजली उत्पादन के लिए कोयले की कमी को देखते हुए यह भविष्य के लिए एक बड़ा कदम सिद्ध हो सकता है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि यह प्लांट 3 भागों में बना है जिसमें से प्रत्येक भाग में 200 टन कचरे से लगभग 70 टन कोयला बनेगा। इस तरह पूरे दिन में इस प्लांट से लगभग 200 टन कोयले का उत्पादन होगा। महत्वपूर्ण है कि इस प्लांट से नगर के कचरे का निस्तारण भी होगा क्योंकि प्रतिदिन नगर में करीब 1000 टन कचरा निकलता है। इसमें से 600 टन कचरे का निस्तारण प्रतिदिन इस प्लांट से हो सकेगा। इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि सतत विकास की दिशा के प्रयास में एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने अपशिष्ट से ऊर्जा स्थापित करने के लिए वाराणसी नगर निगम के साथ मिलकर यह कार्य कर रही है। यह संयंत्र देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवीनतम स्वदेशी मेक इन इंडिया तकनीकी का उपयोग करते हुए हिंदुओं के पवित्र नगरी वाराणसी के लिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा जो कि रमणा में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ठीक सामने है। आपको हम यह दोनों स्थानों के दृश्य अच्छे से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि प्राकृतिक कोयले के समान टॉरिफाइड चारकोल को भी बिजली उत्पादन के लिए थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के साथ सफलतापूर्वक मिश्रित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसका तापमान अन्य तकनीकों की तुलना में कम है जिसके कारण कोई जहरीला उत्सर्जन भी नहीं होता जो कि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि कूड़े व कचरे से कोयला बनाने से न केवल कूड़े कचरे के निस्तारण में सुविधा मिलेगी अपितु प्राकृतिक संसाधनों की क्षति को भी थोड़ा ही सही परंतु कम किया जा सकता है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट स्टूडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं अगली वीडियो के विषय में अपनी राय भी दें। हम आगे भी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।